हे व्हाट्स अप गाइस, हम है आपके जुड़वा सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने आपको कमेंट करना बोला था, क्योंकि हमको भी न्यू आर्टिस्ट जो है वो एक्सप्लोर करना है। जैसे हम लोग हर एक लैंग्वेज रिव्यू का गाना रिव्यू करते हैं, हर एक आर्टिस्ट को सुनना पसंद करते हैं। तो आप लोगों को मैंने बोला था कि यार कमेंट करो कि आपको कोई ऐसे आर्टिस्ट पसंद है। तो आप लोगों ने नए नए आर्टिस्ट के हमको बहुत सारी लिस्ट दी है, उसमें से ये भी है जिनका नाम है कलम इंक। भाई को हम लोगों ने कभी पहले नहीं सुना, क्योंकि बहुत मेन जो है हिप हॉप वो सुन रहे थे हम लोग। अभी हम लोग अंडरग्राउंड के तरफ दौड़ रहे हैं, जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है उनके तरफ दौड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा एक आपको हमने बताया था कि यार आगे आगे जैसे भी हम हमारे ये होते रहेंगे, वैसे हम और अंडरग्राउंड एक्सप्लोर करते रहेंगे और आपके सामने लाएंगे। ऐसा हमारा, तो आप हमको सजेस्ट करो, उनके गाने का रिव्यू हमारा करने का काम है। क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है, वो हम लोग देखेंगे। बाकी कलम इंक जिंदगी, हम लोग कलम इंक जिंदगी बाय कलम इंक हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आते हैं वीडियो पे। आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, यस ऐसे ही हमको सजेशन देते रहो और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहो और आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करते रहो। आर्टिस्ट मेहनत ही उसी के लिए करता है कि आप लोग उनको सपोर्ट करो, देखे और जाने, टैलेंट को परखे। चलो भाई, आपने इस गाने के हमको सजेशन दिया था, देखते देखते क्या लिखा है भाई ने, तोड़फोड़ है क्या है पता चल जाएगा। अभी लगा दे सिया, देखते है कैसा रहेगा, तो क्या है नहीं। ओके, ओह ओके, स्टार्ट अच्छा लगा भाई। मैं मेहनत से आया हूँ यहाँ तक, तू रहता बस किस्मत को कोसता। फड़वे को सांप बुलाता, मैं आज वो माँ का लौड़ा पहले दोस्त। अरे यार गाली क्यों, के पीछे बदल गया मैं भी क्या करता। मैं फंसा था लूप पे, परसों रात कॉल पे बोला वो कहाँ पे, मैं बोला तेरी माँ की चूत में। अरे आईला यहाँ तक माँ से पूछ के कैसे हालात थे, बाप का माथा था जितना उससे भी ज्यादा थे भाई के खर्चे दवाई के। रास्ते पैसा नहीं संभल रहा, एक था वक्त जब खर्चों से बैन थे। आज बुढ़िया की हाइक तो चेक कर, सब्जी भी लेने वो जारी मस्टैंग में। साड़ी डिजाइनर है आइस दिलारे की, बेटों ने पैरों तक उस बाप को क्या ही दिला दूं, वो खुश रहता खुद ही मैं बेटों को देखकर। फ्लेक्स भी है, चिल्लर भी गिने आज फ्लेक्स भी है, दोनों भाइयों ने बना डाला यहाँ पे एम्पायर। तू खाली बस देखता रहे, हाथ दिल रखता साफ में, कभी भी किसी का बुरा नहीं मांगता। शायद तभी मैं तरक्की छुरेला लड़का, यही रहा है खुदा भी जानता। मेरी बंदी का फ्लेक्स तो चेक कर, बाप की स्विफ्ट से बंदे की गाड़ी में, स्कॉटबोर्ड में कौन ही जमता रे बाबा, तभी बंदी चाहिए साड़ी में। पर आज भी यादें आ जाती हैं आपकी, जब भी मैं तारों को घूरता। अच्छा। तो शायद से रोशनी थी रे जिंदगी, तभी तो अंधेरा दूर था। बिल्कुल। आज भी रोता मैं रातों को, आज भी गीले होते तेरी यादों से नैनिये। तू दूर है तभी भी चैन है दिल को मेरे, तू जहाँ भी जैसी भी है, बस वादा कर ध्यान तू रख लेगा। होना है इतना मशहूर कि मेरे जनाजे पे जहाँ ये निकलेगा, तभी भी दिल में ना होगी ये शांति, क्योंकि एक वो ही नहीं निकलेगा उस दिन जिसकी वजह से मेरा ये जनाजा निकलेगा। गाने अभी भी मेरे ये हाथ पे कांपते। कहा थे भाई, नाइस नाइस ब्रो, नाइस वेरी नाइस, वेरी नाइस ब्रो, वेरी नाइस। कहा था ये, वेरी नाइस कहा था ये बंदा। ये अभी अभी देख रहे ना हम लोग, अभी अंडरग्राउंड कर रहे, तो अभी ऐसे ही देखने मिलेंगे। अंदर है ना, अंदर ये ऊपर के तो आ गए, वो अंदर है ना, अंदर खजाना है नहीं, अभी खोद के निकालना पड़ेगा, खोद के तलाश के निकालना पड़ेगा, तब जाके पूरे गहरे जो है बाहर निकलेंगे, खोदना पड़ेगा। बिल्कुल, वाओ मैन, मैं वापस लगाऊं क्या? अरे यार लगा, बिल्कुल लगा भाई। यार कुछ कुछ लाइनें आपने इतनी तगड़ी बोली है, बताता हूं आपको, मैं कर दूंगा, इतनी अच्छी बोली है भाई, मतलब वेरी नाइस। एक दिख रहा है कि एक मतलब स्ट्रगल करके, स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल से किया है, स्ट्रगल से आ रहा है। मम्मी पहले किस में जाती थी, अभी हाँ, मस्टैंग पे शॉपिंग करने जा रही है। बाप अपने बाप उस पे देख के खुश है, मतलब ऐसे गाने मेरे को पसंद है। ये वाले लाइन है ना भाई, हम जैसे जो है हम जैसे मिडिल क्लास लोग ये समझ सकते हैं, ये फील कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है भाई, अपन कॉपीराइट करते सब, ठीक है ना? अपन नहीं डरते कॉपीराइट से, आने दो। अपने को ऐसा है कि अपने वजह से अपने को म्यूजिक मांगता है भाई, समझ रहे हो? चाहे वो तो क्या है यार, और भी काम करके यही करते, पर हमारा मोटो था वो कर रहे हैं। पर अच्छा, आपको पता है प्रोड्यूसर है, डीजे है, शो जाते हैं वो करते हैं, ठीक है ना?
अगर कुछ भी ओरिजिनल कंटेंट क्या उसका थोड़ा बहुत क्या ही आता है, अभी क्या बोलू आपको, जो भी है मतलब कितना मिलता हमको, आपको हंसी आएगी हमारे, बिल्कुल अच्छा लग कर रहे हो करके। तो चलो यार वेरी नाइस यार, कलम इंक वेरी नाइस, बढ़िया बहुत अच्छा बोल रहे हो भाई, बहुत अच्छा। अब तक सिर्फ सुना बहुत बढ़िया, गाली वाला पार्ट छोड़ के आपका बाकी पूरा हिसाब बहुत सही लग रहा है अपने को, बहुत अच्छा खेल रहे हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छी तड़तड़ी में चल रहे हो और बहुत अच्छा टेढ़ा दे रहे हो पब्लिक को, नहीं मतलब जिसको भी मतलब आते हो, वेरी नाइस वेरी नाइस यार, अच्छा सही सही अच्छा लगता है। मैं मेहनत से आया हूँ यहाँ तक, पूरा था बस किस्मत को कोसता, जिस फड़वे को सांप बुलाता मैं आज वो माँ का लौड़ा पहले दोस्त था, वो बंदी के पीछे बदल गया, मैं भी क्या करता, मैं फंसा था लूप में, बोला वो कहाँ पे, मैं बोला कहीं माँ की चूत में, मैं ऐसे नहीं आया यहाँ तक माँ से पूछ के कैसे हालात थे, बाप का माता था जितना उससे भी जाता थे भाई के खर्चे दवाई के, और रास्ते पैसा नहीं संभल रहा, एक था वक्त जब खर्चों से बैन थे, आज बुढ़िया की हाइक तो चेक कर, सब्जी भी लेने वो जारी मस्टैंग में, रास्ते साड़ी डिजाइनर है इस दिलारे की बेटों ने पैरों तक, बाप को क्या ही दिला दूं, वो खुश रहता खुद ही मैं बेटों को देखकर, फैक्ट है फ्लेक्स भी है, चिल्लर भी गिने आज फ्लेक्स भी है, दोनों भाइयों ने बना डाला यहाँ पे एम्पायर, तू खाली बस देखता रहे, हाँ दिल रखता साफ मैं, कभी भी किसी का बुरा नहीं मानता, शायद तभी मैं तरक्की छुरेला लड़का यही रहा है, खुदा भी जानता, मेरी बंदी का फ्लेक्स तो चेक कर, बाप की स्विफ्ट से बंदे की गाड़ी में, ये स्क्वाड फोर्ड में कोनी जमता रे बाबा, तभी बंदी चाहिए साड़ी में, पर आज भी यादें आ जाती हैं आपकी, जब भी मैं तारों को घूरता, तो शायद से रोशनी थी रे जिंदगी, तभी तो अंधेरा दूर था, आज भी रोता मैं रातों को, आज भी गीले होते तेरी यादों से नैनिये, तू दूर है तभी भी चैन है दिल को मेरे, तू जहाँ भी जैसी भी है, बस वादा कर ध्यान तू रख लेगा, होना है इतना मशहूर कि मेरे जनाजे पे जहाँ ये निकलेगा, पर तभी भी दिल में ना होगी ये शांति, क्योंकि एक वो ही नहीं निकलेगा उस दिन, जिसकी वजह से मेरा ये जनाजा निकलेगा, अभी भी लिखता हूँ आप पे गाने, अभी भी मेरे ये हाथ कांपते, अभी भी जॉइंट है मुंह पे लगा रखा, अभी भी तेरे हम नाम से चीखते, पैसा कमा लिया बहुत, प्यार का भूखा हूँ प्यार की भीख से, तू मिलके भी आके चुरा लेती मेरे से साली, तू सच में ही ठीक है, इस दिल के बाद दिल पे नहीं रखता मैं, जो भी हूँ मुंह पे मैं मुंह पे हूँ बोलता, तू डर के क्या करेगा जाने, मत सांप सा रिंग मत दुनिया ये देवला, ये कच्चा चबा डाले तेरे को, खुद ही से घुटा तू कैसा इंसान है, अपनी माँ का ध्यान रख, छूत ये सुना नहीं तूने, माँ बाप भगवान है, स्मोकिंग दी हर्ब्स एंड बॉल्स, मतलब पे करता ये मतलब के कॉल्स, ऐसे से रिश्तों का क्या ये फायदा, मर जाना पैसों के पीछे इंसान, आज भी एम्बुलेंस निकलती बगल से, तो मैं हूँ दुआ हूँ करता कि उसको सलामत रख, कोई और करेगा तो जब मैं रहेगा वहाँ, या जब मेरा बुरा हुआ, ब्लिंग ब्लिंग करे अब चेन से मेरी और आइस नीस पे, ये पसीना फ्री स्टैंड तक रहूंगा क्रीज पे, मेहनत का बीच रखा हुआ है कांड के बीच में, गानों से फील दू कला ये ऐसी है, मैंने है छोड़ी जो गद्दी वो तेरी है, काटूंगा सुबह में जिससे भी बीफ, वो शायर है हम जनाब, एक हाथ में कलम और दूजे में कैची है, ये कला को चीज ही ऐसी है, वाओ यार ये कला को चीज ही ऐसी है, ये 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 मेहनत से आया हूँ यहाँ तक, तू रहता बस किस्मत को कोसता, जिस बड़े को सांप बुलाता मैं आज वो माँ का लौड़ा पहले दोस्त था, वो बंदी के पीछे बदल गया, मैं भी क्या करता, मैं फंसा था लूप पे, परसों रात कॉल पे, बोला वो कहाँ पे, मैं बोला तेरी माँ की चूक में, मैं ऐसे नहीं आया यहाँ तक माँ से पूछ के कैसे हालात थे, बाप का माता था जितना उससे भी जाता थे भाई के खर्चे दवाई के, और रास्ते पैसा नहीं संभल रहा, एक था वक्त जब खर्चों से बैन थे, हर बुढ़िया की हाइक तो चेक कर, सब्जी भी लेने वो जारी मस्टैंग में, और रास्ते साड़ी डिजाइनर है इस दिलारे की बेटों ने पैरों तक, बाप को क्या ही दिला दूं, वो खुश रहता खुद ही मैं बेटों को देखकर, ये फैक्ट है फ्लेक्स भी है, चिल्लर भी गिने आज फ्लेक्स भी है, दोनों भाइयों ने बना डाला यहाँ पे एम्पायर, तू खाली बस देखता रहे, वेरी नाइस, तू खाली बस देखता रहे, तू खाली बस देखता रहे, तू खाली बस देखता रहे, तू खाली बस देखता रहे। सबसे पहले मेरे को खुशी होती है कि वेरी नाइस ब्रो, बहुत अच्छा लगा, देखा है हम लोग जो ऐसे छोटे छोटे वाले, मतलब लाइक मैं कब खुश होता हूँ, बहुत ज्यादा गाने वो पसंद आते हैं मेरे को जो अपने लाइफ के ऊपर, जो मतलब हमारे जैसे गरीबी से ऊपर आते ना वो लोग, वो मेरे को पसंद आते, वो गाने बहुत पसंद आते मेरे को, एग्जैक्टली, क्योंकि मैं खुद को रिलेट कर पाता हूँ कि यार भाई यार ये वही समझ सकते यार, वो जो जो ऑलरेडी पैसा लेके पैदा हुआ है भाई का, थोड़ा अलग वे में मोटिवेशन था, ठीक है ना, अलग वे अलग था और अच्छा वे था, जो आजकल ऐसे ही समझता है पब्लिक को, ठीक है ना, और भाई सही सही गए भाई, मैं
मजा आया, बहुत सारी लाइनें ना ऐसा लग गई, ओ हाँ बहुत लगी, बहुत सारे ऐसे बार्स थे आपके जो मतलब इधर भाई क्या है वो ओवर रिएक्ट नहीं करता, वाला अपना वाला हिसाब नहीं है, मेरे को वो हिट करती है इधर, हम जिधर नाटक नहीं कर सकता, क्या बोल दिया ऐसा आपने, दो दो हर बार जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है उनको पता है हम जब भी फंबल करना चालू कर दिए तो समझ लो वो ये अपने को इधर मतलब घूम रहा है अभी भी, चल रहा है अभी भी, चल रहा है अभी भी, बहुत सारी बातें लगी भाई, कलम इंक भाई, कलम इंक, कलम जिंदगी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, नाम भी बहुत सही लगा जिंदगी करके, बहुत अच्छा एक ये भी दिया है, लिखा भी आपने ही होगा ठीक है ना, और वही है, वही है, हाँ लिखा भी आपने ही होगा, हाँ नाइस यार, बहुत अच्छा लिखा भाई, वेरी नाइस, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये ट्रैक ना आपने बहुत टाइम से, बहुत टाइम से आप इस पे बैठे हो और वेट किया होगा कब छोड़ो इसको, बिल्कुल टाइम वेट किया है कि इसको तब छोड़ूंगा, बिल्कुल एक टाइम आने के बाद ही इसको छोड़ूंगा, बनाना आपने स्टार्ट कर दिया रहेगा, सब्जी भी लेनी, सब्जी भी लेने वो जारी मस्तैंग मस्तैंग में, और मतलब बहुत अच्छी अच्छी लाइनें, मतलब बाप देख के अपने को खुश हो जा रहा, उसको क्या मैं खुश, अपने को ही देख के खुश हो जा रहा, समझ रहा है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, मैं बीट के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि नॉर्मली वही वही बीट ही थी, लिरिकली ज्यादा फोकस्ड किया है गाने को तो वो सही लगा, क्योंकि बीट की अगर बात करें मतलब प्रोडक्शन की बात करें तो बीट और एक घंटे का काम है, हिप हॉप ट्रैक में अपन सुनते ही है ये, ठीक है ना, आपको भी पता है, नहीं था अगर थोड़ा सा कुछ आता होता तो मैं म्यूजिक बारे में बात करता, पर वही था तो कोई उसमें जा रहा था अपने गाने, गाने के लिरिक्स में और इसमें जा रहा था, फ्लो में जा रहा था, वो बहुत अच्छी बात है, बाकी अगर मजा आया आप ऐसे ही हमको अंदर के डायमंड हमको दिखाओ, हमको कमेंट सेक्शन में बताओ, प्रॉमिस करते हैं सबको रिव्यू करेंगे, क्योंकि अपन कोई बड़े नहीं है, सब अब एक लेवल पे, बिल्कुल ठीक है, तो सबको सुनना हमारा काम है, क्योंकि हमको असली म्यूजिक पब्लिक को दिखाना है और खुद को सुनना है असली म्यूजिक, बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गंदगी तो वैसे भी हो रही है, तो क्या बोलने कोई नहीं यार, तो ऐसे ही भाई जो जितनी भी टीम है, कलमिंग भाई हो गए, जितने भी सब लोग है, सब लोग और जो भी अपकमिंग रैपर्स है, बिल्कुल सबको मैं बोलता हूँ कि ऐसे ही मेहनत करते रहो, रुकने का नहीं है, हार नहीं मानने का, चलते जाने का है, आपकी मम्मी भी सब्जी लेने मस्टैंग से जाएगी, मैं ऐसे दुआ करता हूँ दिल से, जितने भी आर्टिस्ट है सबके माँ मस्टैंग में ही जाएगी सब्जी लेने, बाकी गाइस अगर कुछ छूट गया हो तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी तो भी माफ कर देना, बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय भारत। Na 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 na